सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में इन सब गाड़ियों को यहाँ से नीचे जंप करवाने वाले हैं। जो भी गाड़ी सामने वाले प्लेटफॉर्म पे सेफ लैंडिंग करेगी वो गाड़ी हमारी आज की विनर होगी। तो पहली कोशिश करेंगे हम इस वाली स्विफ्ट के साथ। तो ये गाड़ी मुझे लगता है पहुंच जाएगी क्योंकि इस गाड़ी का वेट बहुत कम है और स्पीड काफी ज्यादा है। तो गाइस स्विफ्ट तो इस आगे वाले प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन बस थोड़ा सा ही फासला बाकी रह गया था। अगर थोड़ी और स्पीड होती तो ये गाड़ी पक्का पहुंच जाती, लेकिन ये गाड़ी फेल हो चुकी है। तो इसका डैमेज भी आप देख लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस गाड़ी में। नेक्स्ट गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। तो चलिए हम इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं और ये गाड़ी आगे ले चलते हैं। टाटा नेक्सॉन यहाँ तक तो पहुंच गई है, लेकिन इस गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। इसका साइड का गेट भी निकल चुका है और इस गाड़ी के बोनट पे भी आप डैमेज देख लीजिए, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन बाकी अभी भी गाड़ी आप बाकी है, तो अभी हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी गाड़ी विनर है। अगली गाड़ी हमारे पास अल्टो 800 है, तो ये गाड़ी भी काफी वेटलेस है। तो चलिए इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके इस गाड़ी को भी नीचे ले चलते हैं। अल्टो भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अल्टो का पीछे वाला हिस्सा पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट गाड़ी, इस गाड़ी का नाम तो आप सभी को बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में जरूर इस गाड़ी का नाम बताइए। तो चलो इस गाड़ी का भी हम इंजन स्टार्ट करके इस गाड़ी को नीचे ले चलते हैं, इसकी स्पीड देखेंगे कितनी ज्यादा बढ़ती है। ये गाड़ी मेरे हिसाब से वहां तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि इस गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है। सो गाइस, हमारी मेन बात अभी इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, लेकिन मुझे लगा था कि इस गाड़ी का वेट ज़्यादा होने की वजह से ये गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन ये गाड़ी अभी तक जितनी भी गाड़ियों को यहाँ पे हमने जंप करवाया है उन सब गाड़ियों में सबसे कम डैमेज इसी गाड़ी को हुआ है। आज की हमारी लास्ट गाड़ी बची है मेन भाई 127 XUV, तो इस गाड़ी को भी हम यहाँ से नीचे जंप करवा दे। तो चलो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। XUV700 भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि इस गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम बढ़ गया था और एक गाड़ी का भी वेट बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी गाड़ी विनर है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी हमारे आज की विनर है।